मैं डॉक्टर एम एल अग्रवाल, डायरेक्टर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर एवं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल साइकेट्री ऑफ इंडिया। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन विषय है और जिसकी वजह से विश्व के अंदर अनेक लोग पीड़ित हैं और सफरिंग हैं, लेकिन उस बीमारी का हमेशा निग्लेक्ट होती है, डायग्नोसिस कम होता है और यदि होता भी तो इलाज सही नहीं होता। ये विषय है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं विश्व के अंदर और आने वाले समय में इसकी संभावना और ज़्यादा। डिप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे डिप्रेशन होता क्या है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन महसूस करता है कि अपने मन को उदास महसूस करता है, डिप्रेशन महसूस करता है। कभी ना कभी अपनी लाइफ में हम सभी इसको महसूस करते हैं। क्या ये बीमारी है? क्या हम कभी कभी ये उदासी महसूस कर लेते हैं, हमारा मन ख़राब हो जाता है, ये बीमारी है? नहीं, ये बीमारी नहीं है। ये इंसान के नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर नॉर्मल होते हैं। हालात की वजह से कभी भी आपका मन का उतार चढ़ाव रोज का होता है, उसको हम डिप्रेशन की संज्ञा नहीं दे सकते। डिप्रेशन की बीमारी के लिए कुछ विशेष लक्षण होते हैं और उन लक्षणों का 15 दिन से ज़्यादा तक चलना होता है। यदि वो बराबर लगातार 15 दिन से ज़्यादा चलते हैं जब भी हम उसको डिप्रेशन बीमारी की संज्ञा दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। वो लक्षण क्या होते हैं? बहुत साधारण लक्षण होते हैं, इसी वजह से वो अक्सर निग्लेक्ट होते हैं। पहले सबसे पहले मन का बराबर 15 दिन तक उदास रहना या काम में मन नहीं लगना, दोनों में एक लक्षण का होना अति आवश्यक होता है डिप्रेशन को डायग्नोसिस करने के। उसके अलावा दूसरे जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही साधारण होते हैं, रोज़ सिर में दर्द होना, कभी यहाँ दर्द कहाँ वहाँ दर्द, वेग एक्शन पेंस जिनको बोलते हैं उनका होना, या भूख का नहीं लगना, कि खाने की इच्छा नहीं होना, रोज़ रोज़ किसी न किसी बहाने काम से जी चुराना, सुबह उठने को मन नहीं करना, उठ जाते हैं सारे दिन बिस्तर में पड़े रहने को मन करना, या सेक्स की इच्छा नहीं होना। इस तरह के जो साधारण लक्षण होते हैं वो बराबर उसमें से 5 से ज़्यादा सोमेटिक कंप्लेंट्स और ये उसमें होने चाहिए। जीआईटी डिस्टरबेंस भी हो सकते हैं, उसके अलावा यूरिनरी डिफ़िकल्टी भी हो सकती है और कई तरह की सोमेटिक कंप्लेंट्स इसमें होती हैं। तो ये डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं ये बराबर 15 दिन से ज़्यादा चलने चाहिए। इसमें कई बार बहुत ही निराशावादी ख्याल आने लग जाते हैं, हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और मनुष्य कई बार अपराध भावना से बोध हो जाता है, गिल्ट फीलिंग उसमें आ जाती है। कई बार तो ये देखा गया है कि कोई अपराध किया नहीं फिर भी उसके प्रति उसके अंदर इमेजिनरी जो है गिल्ट फीलिंग आ जाती है, इमेजिनरी कि मैंने ये अपराध किया और मेरे से ये अपराध भावना या हीन भावना उसमें पैदा हो जाती है, जो एक बहुत ही खतरनाक रूप में सामने। कई बार डिप्रेशन के अंदर जो खतरनाक चीज़ होती है वो होती है सबसे आत्महत्या के विचार आना, आत्महत्या की प्लान बनाना या आत्महत्या अटेम्प्ट करना, ये भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। तो ये इस तरह के लक्षण यदि आपको किसी में बराबर मिलते हैं तो हमें उसको सीरियस लेना चाहिए। जहाँ तक डिप्रेशन की बात करें, जैसे मैं नॉर्मल मूड स्विंग्स की बात की थी, उसी प्रकार डिप्रेशन भी मोटे तौर पे आम आदमी के हिसाब से दो तरह का होता है। पहला उसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन, एक्जोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं, जो किसी हालात की वजह से होता है कि इंसान के ऊपर कोई ऐसा परिस्थितियों में दबाव आ गया, वातावरण में तनाव हो गया, फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, कोई स्ट्रेस फैक्टर आ गया जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट हो गया। लेकिन ये ऐसे वाला डिप्रेशन कम खतरनाक होता है और जो दूसरा डिप्रेशन जो होता है उसको हम एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं।
एंड्रोजन से डिप्रेशन का मतलब होता है कि उसका कारण वातावरण में नहीं होता, वातावरण की वजह से वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकल कारण्स होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेन के अंदर कुछ पदार्थ होते हैं जो पोस्ट रिसेप्टर साइट न्यूरोन्स के अंदर होती है, वहाँ उसके सेरोटोनिन डोपामिन जैसे पदार्थ होते हैं उनका लेवल कम हो जाता है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है पोस्ट रिसेप्टर साइट में, जिसकी वजह से मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे वाला डिप्रेशन ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आत्महत्या की संभावना है या लिबिडो लॉस ऑफ लिबिडो जो है, सेक्स की इच्छा नहीं होना, इस तरह के सिम्टम इस तरह के डिप्रेशन में जो एंड्रोजनस डिप्रेशन होता है उसमें ज़्यादा होती है। गिल्ट फीलिंग भी इसमें ज़्यादा आती है, अपराध भावना भी इसमें ज़्यादा आती है, और ये डिप्रेशन ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जो डिप्रेशन है इसको हमने देख लिया, पर इसका डिप्रेशन का मैनेजमेंट जो हम करेंगे वो किस तरह से हो सकता है, इन डिप्रेशन को क्या करना चाहिए इस तरह का डिप्रेशन हो जाए तो। पहले सबसे पहले यदि आपको इस तरह के लक्षण 15 दिन से ज़्यादा मिलते हैं तो आप स्वयं या अपने रिश्तेदार के साथ में प्रोफेशनल हेल्प लें, किसी भी साइकेट्रिस्ट को मनोचिकित्सक को आप जाके कंसल्ट करें। ये नहीं समझें कि आपको कोई वहाँ पागल समझ लेगा या आपको पागलपन का लेवल लग जाएगा। एक बहुत साधारण बीमारी थी, आज ज़माना बदल गया, 21वीं शताब्दी में हम रहते हैं, साइकेट्री की तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, केवल साइकेट्रिस्ट के पास जाने का कतई मतलब नहीं है कि आप पागलपन से ग्रस्त हैं। तो इस भावना से ऊपर उठ के आप प्रोफेशनल हेल्प लें। अब हमारे पास क्या क्या इलाज हैं इसके डिप्रेशन के? डिप्रेशन में सबसे पहले जैसे हालात की वजह से होता है रिएक्टिव डिप्रेशन होता है, जिसको एग्जोजनस डिप्रेशन बोलते हैं, यदि वो होता है तो हम उस डिप्रेशन के लिए केवल साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देके ठीक कर सकते हैं, बिना दवाई की वजह से उसको ठीक किया जा सकता है और आपको उससे निजात मिल सकती है। और घर वाले और रिलेटिव्स भी यदि उनको सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं तो भी इसमें फ़ायदा होता है। वातावरण के चेंज करने से भी इसमें फ़ायदा होता है, मेडिटेशन करने से भी इसमें फ़ायदा होता है, योगा करने से भी इसमें फ़ायदा होता है। लेकिन जो डिप्रेशन आपका कारण आपके दिमाग में है, उसके जो बायोलॉजिकल अमाइंस की कमी की वजह से जो डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन का इलाज साइकेट्रिस्ट साहब लेंगे, तो हमें उसके लिए साइकोथेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियर के साथ साथ दवाइयों का देना भी ज़रूरी होता है। बिना दवाइयों के हम उन केमिकल्स को ठीक नहीं कर सकते, रिसेप्टर साइट की उनकी अवेलेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते, तो हम इनको बोलते हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसन्स। ये एंटी डिप्रेशन मेडिसन होते हैं वो कई तरह की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। पहले जो आती थी उनसे थोड़े साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते, मुंह का सूखना, पोस्टरियर हाइपोटेंशन हो जाना, इस तरह के सिम्टम ज़्यादा होते थे, गिडीनेस होना। लेकिन अभी जो मेडिसिन आ रही है उससे साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, मुंह अगर सूखना नगण्य जैसा होता है, उनको आप लें तो आपका डिप्रेशन से बाहर जा सकते हैं। ये दवाइयाँ जो मेडिसिन एंटी डिप्रेशन हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनको धीरे धीरे हम बिल्डअप करते हैं, इसलिए इसमें रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, आप बराबर लेना ज़रूरी है। पहले हफ्ते में हम देते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद उसको बढ़ाते हैं, फिर दो हफ्ते के बाद बढ़ाते हैं और ऑप्टिमम डोज में ले जाते हैं। ऑप्टिमम डोज में यदि डिप्रेशन छः वीक से ज़्यादा लेने के बाद भी यदि आपका डिप्रेशन ठीक नहीं होता तो दूसरी एंटी डिप्रेशन इसमें मिलाते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। यदि फिर भी नहीं ठीक होता तो हम उसको रेजिस्टेंस डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं और दवाइयाँ हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार दवाइयों को बंद नहीं करें, बार बार दवाइयों को गैप नहीं दें, जिससे कि आपका शरीर के अंदर जो लेवल है इसका एंटी डिप्रेशन का वो बराबर मेंटेन रहे और आप बीमारी से दोबारा ग्रस्त नहीं हो, रिलैप्स नहीं हो, रिग्रेस नहीं हो। दवाई कुछ लंबे समय तक खाने पड़ती है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी बीमारी ठीक उसी प्रकार होती है जैसे आपकी डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उसी प्रकार होती है। तो डायबिटीज़ की बीमारी भी जैसे आपने जिस रोज़ भी इंसुलिन लगाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, उसी दिन आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, ठीक उसी प्रकार यदि हम दवाई नहीं बराबर लेते तो हमारे ब्रेन में पर्टिकुलर जगह पे पोस्ट रिसेप्टर साइट पे ये बायोलॉजिकल अमाइंस की कमी आ जाती है, हम पुनः डिप्रेशन में चल जाते हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा में लेने से कई बार हम एक्साइटमेंट में भी चल जाते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्रॉपर डोजेज जो दी जाए उसी के अंदर इसको लिया जाए। तो ये उसके अलावा
फिर भी दवाइयों से यदि डिप्रेशन ठीक नहीं होता, आपका रेजिस्टेंस डिप्रेशन है, तो हम इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट भी इसके लिए करते हैं। आज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट और मैग्नेटिव थेरेपी है, वो दोनों इसके लिए दी जाती है। उसमें भी आज भी हम कई मिथ्स और गलत फहमियों के शिकार हैं, जैसे कि ईसीटी का इलाज लेंगे, उसको हम शॉर्ट बोलते हैं आज भी, और ये समझते हैं बहुत उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, और हम ये समझने लग जाते हैं कि इससे खून ख़त्म हो जाएगा, इसकी याददाश्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। जहाँ साइंस ने इतनी हर फील्ड में प्रोग्रेस की है, ठीक है उसी प्रकार इस फील्ड में भी प्रोग्रेस की है। कंप्यूटर का ज़माना आ गया, पहली चीज़ मशीनें बदल गई, जो फालतू करंट मशीनों से दिमाग में फैला करता था वो अब नहीं फैलता। मशीन बहुत सेंसिटिव होती हैं, अपने आप कैलकुलेट करती हैं रेजिस्टेंस सिर का, और कैलकुलेट करके प्रॉपर डोजेज उसको देती हैं। बाल भी बीच में आ जाए तो वो ऑपरेट नहीं करती, एरर शो करती है। ठीक उसके अलावा मेथड इसका बदल गया, मशीनों के साथ साथ मेथड बदल गया, कि हम पहले इसी तरह से मरीज को लिटा के ईसीटी लगा देते थे, जिसको शॉर्ट बोलते थे, लेकिन आज मरीज को पहले बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है। उस इंजेक्शन के अलावा मरीज को आप नहीं बताएं, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन हम उसको उसके सामने बात कर करके इसका एहसास कराते हैं कि उसको बिजली का झटका लगाया गया था, शॉर्ट लगाया गया था। बिजली बेहोश करके हम उस मरीज को फिर मसल इंजेक्शन देते हैं, जिससे बॉडी पैरालाइज हो जाती है पूरी, और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी मसल्स भी पैरालाइज हो जाते हैं। ऑक्सीजन भी जैसे ऑपरेशन की तरह मशीन से देना पड़ता है, कुछ शेक करने के बाद थोड़ी देर में वापस मरीज होश में आ जाता है और पुनः अपनी दिनचर्या चालू कर देता है, वापस ठीक हो जाता है। ऐसे 5-6 बार लगाने के बाद में ये बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स डिप्रेशन के अंदर मिलती है। हम अक्सर समझते हैं कि ईसीटी का इलाज केवल पागलों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। और इसके अलावा मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी भी होती है, जो डिप्रेशन में बहुत कारगर होती है। तो ये कुछ इलाज हैं, और जिसमें ज़रूरी इस डिप्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। एक बात और कि ये डिप्रेशन जब होता है, खासकर हालात वाला या जो एंडोजेनस डिप्रेशन है, वो भी प्रेसिपिटेट हो सकता है लॉस ऑफ लव ऑब्जेक्ट से। लॉस ऑफ लव ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपके प्रियजन की मृत्यु हो जाए, या उसकी आपसे बिछुड़ जाए या छूट जाए। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लॉस ऑफ लव ऑब्जेक्ट का कतई ये मतलब नहीं कि कोई प्रेमी या प्रेमिका ही हो, लेकिन जहाँ आपकी साइकोलॉजिकल एनर्जी इन्वेस्ट है, वो आपका लव ऑब्जेक्ट है। हमारे किसान के लिए उसकी भैंस भी लव ऑब्जेक्ट है, उसकी फसल भी लव ऑब्जेक्ट है। अभी ओले पड़ गए, बहुत सारे किसान डिप्रेशन में चले गए, PTSD में चले गए, पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर के ग्रसित हो गए, कईयों ने आत्महत्या तक कर ली। तो ये सब कारणों को देखना चाहिए, और लव ऑब्जेक्ट क्या है जहाँ उसकी साइकोलॉजिकल एनर्जी लगी हुई है। यदि ऐसा होता है तो आपको अपनी जो साइकोलॉजिकल एनर्जी वहाँ से फ्री होती है, आपके अंदर जाती है, आपको नुकसान पहुँचाती है, डिप्रेशन ले जाती है। तो उसके लिए आप अपनी जो साइकोलॉजिकल एनर्जी फ्री होती है, दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस एनर्जी को दूसरे फ्रेंड्स बनाने में, सोशल एक्टिविटी में, या और कोई किसी भी तरह आपकी गार्डनिंग करते हैं उसमें, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। रोज़मर्रा का मेडिटेशन भी हम इसमें रिकमेंड करते हैं। इससे क्योर तो नहीं होता, लेकिन इसमें रुकावट मिलती है, फ़ायदा होता है। आपकी जो ब्रेन की वेव्स है EEG में, उसमें चेंजेज आता है। रोज़ योगा करेंगे, वॉक पे जाएंगे, ये सब इसमें हेल्प करते हैं। तो ये साधारण तरीके हैं इसको मैनेज करने के, जो आपको सहायता पहुँचाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के लक्षण आप किसी में भी देखें, तो आप प्रोफेशनल राय, मतलब मनोचिकित्सक को दिखाने में कतराएं नहीं, और अंधविश्वासों में उसका समय खराब करके साधारण चीज़ को असाधारण नहीं बनाएं।